हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। बच्चों, अप्लाइड मैथ्स क्लास 12, एक्सरसाइज नंबर 6.4। देखो, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है क्या। ये डिसाइड करना कि वो इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इस बात के लिए ग्राफ की हेल्प लेंगे। ये ग्राफ है मेरे पास में फंक्शन के डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स और एक्स की वैल्यूज़ के अंदर। एक और इसके साथ में बना रहा हूँ उसको, दोनों को ऑब्जर्व करें और दोनों में जो फ़र्क है उसको देखें। ये एक्स एक्स डैश, यहाँ पर ये भी एफ डैश एक्स और एक्स की वैल्यूज़ के अंदर ग्राफ है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। किसका ग्राफ है? डेरिवेटिव और एक्स की वैल्यू का। इसके अंदर भी क्या हो रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही है, ना डिक्रीजिंग है ना इंक्रीजिंग है, यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव एक्स की वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूसली इंक्रीज है ना, तो उसको अपन बोलते हैं, ऐसा अगर सिचुएशन मिले जिसके अंदर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज रहे एक्स की एवरी वैल्यू के लिए या उस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए जिसमें बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। किस केस में बात हो रही है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए। यहाँ पर एफ डैश एक्स है ना ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है, यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो, यहाँ ग्रेटर देन जीरो, बट ये सिचुएशन ऐसी आई जहाँ पर इक्वल टू जीरो भी है, इसलिए मैं कह सकता हूँ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। इन दोनों में देखो, यहाँ पर तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा बट यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा खाली। अब थोड़ा और ऑब्जर्व करते हैं, ये एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश ओरिजिन, ये लगातार हमारे पास में गिरता ग्राफ है। किसका ग्राफ है? डेरिवेटिव का और एक्स की वैल्यूज़ के साथ में। अगर ये लेस देन जीरो मिले हमेशा, तो उस केस में मैं कह सकता हूँ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जिस इंटरवल की बात हो रही है उसी इंटरवल के लिए बात करेंगे इसमें। और अगर ग्राफ ऐसा मिल जाए y y डैश और ये है मेरे पास में x x डैश और ये ओरिजिन, यहाँ पर ये गिर तो रहा है ग्राफ लेकिन यहाँ पर स्टेबल हो गया ना, फिर वापस गिरना शुरू हो गया, तो इसके अंदर क्या हुआ है, f डैश x लेस और इक्वल टू जीरो है। तो मैं कह सकता हूँ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये x x डैश y और ये y डैश और ये ओरिजिन, f डैश x की वैल्यू इस तरह से आ जाए, यानी कि f डैश x में इसमें क्या डिसाइड हो रहा है कि यहां से आते तो इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है। यानी कि इस इंटरवल पूरे इंटरवल के लिए एक साथ अपन ये नहीं कह सकते कि बढ़ ही रहा है, या ये भी नहीं कह सकते कि लगातार ये घट रहा है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब इन पांचों ग्राफ को आप अच्छी तरह से याद रखिए और आने वाले क्वेश्चंस का इन्हीं के अकॉर्डिंग इनको ध्यान में रखते हुए अपन जवाब देंगे। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका फर्स्ट पार्ट, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर,
तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप इसका डिफरेंशियल करें, तो 3x का 1 और 17 का कितना आ गया 0, मींस एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ गया, सिर्फ 3 आ गया। अब x की कोई भी वैल्यू हो, भले पॉजिटिव हो, भले नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, है ना, उन सभी के लिए हमेशा ये 3 बना रहेगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, देयरफॉर फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एफ डैश एक्स हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो फिक्स 3 हो गया ना, इसके क्या एक्स तो है ही नहीं रखेंगे कहाँ पर, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, यही आपको इसमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, अब एफ एक्स इक्वल टू 7x-3, यहाँ पर अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूँ तो क्या मिलेगा, ओनली 7 मिलेगा इसके अंदर। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एफ डैश एक्स हमेशा कितना 7 ही रहेगा, मीन्स ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन एनी रियल नंबर, और यही आपको इसमें प्रूव करना था। करेक्ट भाई, ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक बार समझना पड़ेगा। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन पढ़ के क्या मिल रहा है, शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3-7x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इसके लिए बात हो रही है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपको प्रूव करना है। कैसे कर पाएंगे, देखो भाई सिंपल है कि आप इसका डिफरेंशियल कर लें, 3 का 0 हो गया, 7 कांस्टेंट पड़ा है और x का 1 हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स कितना मिल गया मेरे को, ओनली -7, या x तो है नहीं, ये हमेशा क्या रहेगा, -7 ही बना रहेगा, भले x कुछ भी रख दो आप। तो क्या कह सकते हैं, फॉर x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एफ डैश एक्स क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 0, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेस देन में डिक्रीजिंग लिखना ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए। यहां पर बात करें तो इसके अंदर एफ डैश एक्स 1 का 0 हो जाएगा, माइनस पड़ा है 1/x का, -1/x2, फाइनली क्या मिल गया, -1+ और 1/x2। यहां थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा भाई, एफ डैश एक्स कितना आ गया 1/x2, तो एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी बना रहेगा, अगर 0 होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि 0 होने पर क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ 0 पुट करूँगा तो ये 0 आ जाएगा, 1/0 क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। इस केस में मैं कह सकता हूँ फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन 0 को हटा करके, 0 नहीं रखना है, एफ डैश एक्स हमेशा क्या होगा बेटा, इसमें ग्रेटर देन 0 होगा, पक्का 0 से हमेशा बड़ा नंबर है, ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा किसी भी रियल नंबर के लिए, लेकिन इसमें से 0 हटा दिया, 0 क्यों हटाया, अगर जो यहाँ रखेंगे तो 1/0 अपने को नहीं चाहिए, इसलिए हमने 0 रियल नंबर में से अवॉइड कर दिया है। तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर एफ एक्स इज क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है भाई, इस तरह से अपन इसको डील करेंगे क्वेश्चन को। देन देखो भाई क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्टूडेंट्स अपने को थोड़ा सा केयरफुली संभल करके इनको डिस्कस करना है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 3+1/x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखते हैं भाई, अब बच्चों इसमें देखो, सबसे पहले एफ डैश एक्स यानी डिफरेंशियल करेंगे, 3 का 0, 1/x का -1/x2, मीन्स एफ डैश एक्स मेरे पास कितना आ गया, -1/x2। यहाँ पर समझिए, एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ठीक है,
और इस माइनस की वजह से जो रिजल्ट है वो हमेशा नेगेटिव बना रहेगा। तो इस बात को कैसे डिस्कस करेंगे, फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन आपको पता है जीरो नहीं ले पाएंगे क्योंकि वन अपॉन जीरो नहीं चाहिए मेरे को, तो माइनस जीरो कर दो, एफ डैश एक्स ऑलवेज लेस देन जीरो रहेगा, जीरो भी नहीं होगा सिर्फ लेस देन जीरो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव रखो भले पॉजिटिव रखो स्क्वायर की वजह से हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और इस माइनस की वजह से हमेशा फाइनल रिजल्ट जो है वो नेगेटिव रहेगा। तो हम कह सकते हैं रियल नंबर बट जीरो को छोड़ के एफ डैश एक्स ऑलवेज क्या रहेगा, लेस देन जीरो, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर बट जीरो को छोड़कर, ये आप इस तरह से डील करेंगे इसको। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आया है हमारे पास में एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में प्रूव करना है पूछा गया है। देखो भाई एफ डैश एक्स करें डिफरेंशियल एक्स का वन हो जाएगा, माइनस पहले से पड़ा है, वन अपॉन एक्स का डिफरेंशियल माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस और माइनस प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लें और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये क्या मिल गया मेरे को एफ डैश एक्स। अब आप इसमें ये देखो कहीं से कोई नेगेटिव आता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर मैंने जीरो रख दिया तो क्या नॉट डिफाइन हो जाएगा। इस केस में अपन ये ध्यान रखो कोई भी रियल नंबर लेकिन जीरो को छोड़ के, तो वही बात फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर जीरो को छोड़ दें, ठीक है, एफ डैश एक्स क्या रहेगा ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, जीरो भी नहीं आएगा कभी, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है, पॉजिटिव को वन में ऐड करने गए तो क्या मिलेगा मेरे को, एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी और एक्स स्क्वायर खुद भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि जीरो तो अपन इसमें रख नहीं रहे, तो ऐसे केस में एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस जीरो, यानी जीरो को छोड़ के किसी भी रियल नंबर के लिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा केयरफुली आप इनको हैंडल करें। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फंक्शन और उसका फिर डेरिवेटिव, तो जो डेरिवेटिव पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है या नेगेटिव वैल्यू, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझते हुए डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर फोर, फर्स्ट पार्ट एफ एक्स यहाँ पर दे रखा है मेरे को ई टू द पावर माइनस का 2x, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 2x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप करो डिफरेंशियल, फिर आगे बात करेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है, या माइनस टू एक्स को एक्स मान के काम कर रहे हैं, इसलिए इसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ई टू द पावर माइनस का 2x, ये माइनस टू पड़ा है और x का हो जाएगा 1, फाइनली मुझे कितना वाला माइनस टू ई टू द पावर माइनस का 2x, आप चाहो तो उसको अपॉन में ले लो ना, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है भाई, क्योंकि आपको पता है एक्सपोनेंट्स में आपने पढ़ा था ए टू द पावर m है, अगर इसको अपॉन में ले जाएंगे तो माइनस m हो जाता है। अब बच्चों यहाँ देखो x की कोई भी वैल्यू रख दो, जीरो भी रखोगे तो e की पावर जीरो कितना वन होता है, नेगेटिव रखोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव रखोगे तो हमें यही रहेगा, कम ज़्यादा हो सकती है वैल्यू। एक तो e टू द पावर x होता ना वो कभी जीरो के इक्वल नहीं होगा, ध्यान रखें, दूसरा कभी नेगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं है, e टू द पावर 2x नेगेटिव वैल्यू देता ही नहीं है x की एवरी वैल्यू के लिए, तो हम क्या कह सकते हैं ये अब ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये हमारे पास 2 पॉजिटिव, और इस माइनस की वजह से ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिजल्ट नेगेटिव होगा हमेशा के लिए। तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर फॉर x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एफ डैश x कैसा रह रहा है, इस माइनस की वजह से
लेस देन जीरो, और जीरो के इक्वल भी नहीं हो रहा है क्योंकि e की पावर 2x कभी भी जीरो वैल्यू देगा ही नहीं इसमें, है ना। देयरफोर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अच्छी तरह सोचो देखें। अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास में, सेकंड पार्ट इसका। अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही केयरफुली करना, छोटे हैं लेकिन इसमें समझना पड़ेगा पूरा, लगातार सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये आप अच्छी तरह से सोच के जवाब देंगे। एफ एक्स इक्वल टू 5 की पावर एक्स, सेकंड पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू 5 की पावर कितना है, ओनली एक्स है। इसमें बोला गया है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो दैट, ओके, वही एफ डैश एक्स, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे d by dx ऑफ 5 टू द पावर एक्स। अब बच्चों आपको फॉर्मूले इसमें याद है या नहीं है ये बताइए। a की पावर x का a की पावर x होता है, याद हो तो, है ना, और log 5 टू द बेस e। अब 5 टू द पावर x है ना, ये भी ऑलवेज क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव रहेगा, जीरो कभी होगा नहीं। एक्स वाली नेगेटिव रख दो तो 1/1 हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, फिर भी ऊपर रहेगा तो भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यानी कि ए की पावर जो एक्स है और ये खुद क्या है, पॉजिटिव है ना 5, तो एक्स कुछ भी रख दो ये खुद पॉजिटिव है, ऊपर पावर में 2, 3 इवन ऑड फ्रैक्शन कुछ भी रखेंगे ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और ये भी हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। तो इस केस में मैं कह सकता हूँ इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, देयरफोर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन एनी रियल नंबर। आगे बात, किसी भी रियल नंबर के लिए ये हमेशा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। थर्ड पार्ट में आपके एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू, यहां सोचना पड़ेगा भाई, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स स्ट्रिक्टली, ये भी इंक्रीजिंग की बात करेंगे। अब देखो बेटा एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 1/x, पक्का एफ डैश एक्स कितना दे रखा है, 1/x दे रखा है, कोई प्रॉब्लम, लॉग एक्स है हमारे पास में, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स कुछ लॉग एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/x। तो सारा खेल अब किस पे डिपेंड है, खाली एक्स की वैल्यू के ऊपर। अब यहाँ पर डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो भाई यहाँ पर जो एक्स का जो डोमेन होता है ना, एक्स हमेशा किसको बिलोंग करेगा, जीरो से इन्फिनिटी, जीरो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है भाई, तो इस केस के अंदर जो एक्स की वैल्यू है ये सिर्फ पॉजिटिव ही पुट कर सकते हैं, और अगर ये पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे ना तो क्या लिखेंगे, फॉर एक्स बिलोंग्स टू जीरो से इन्फिनिटी एफ डैश एक्स क्या रहेगा, जीरो तो लेना नहीं है ना, जीरो आएगा नहीं, और जीरो से बड़ा कोई भी अगर वैल्यू रखेंगे ना ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो ग्रेटर देन जीरो। देयरफोर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ये डोमेन जो है इसका जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है ना, यानी कि इस एक्स के जो इंटरवेल के लिए ये हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा एफ एक्स। अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा केयरफुली करें आप इनको। फिफ्थ क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 5 इज डिक्रीजिंग। बच्चों ध्यान से देखो, अगर हमारे पास में फंक्शन दे रखा है, यहाँ पर k है साथ में इसकी, k एक्स क्यूब प्लस 5, k की किस वैल्यू के लिए ये डिक्रीजिंग है देखते हैं। एफ एक्स है मेरे पास k एक्स क्यूब प्लस 5, सबसे पहले तो आप इसका डिफरेंशियल कर लें, 3 आगे आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर और 5 का 0 हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ये 3x स्क्वायर और यहाँ पर ये k है, तो हमें ये बताना है k कैसा हो कि ये क्या रह जाए, डिक्रीजिंग रह जाए। एक बात सोचो,
एक्स की एवरी वैल्यू के लिए या तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। एक्स स्क्वायर कोई भी रियल नंबर डाल दो, जीरो डालने पर जीरो हो जाएगा, और उसके अलावा हमेशा क्या रहेगा, ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ से तो कहीं से माइनस मिलना है नहीं, क्योंकि तो डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, कोई फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है ना, इसका मतलब उसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू जीरो होता है डिक्रीजिंग के लिए। स्ट्रिक्टली होता तो फिर खाली लेस देन होता है। यहाँ के कितना होना चाहिए, मतलब इसको डिक्रीजिंग फंक्शन तभी कह पाएंगे जब उसके डेरिवेटिव में यहाँ क्या मिले, माइनस मिले। तो के कुछ भी हो जाए बट हमारे पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए बस। तो हम कह सकते हैं एफ एक्स यानी कि एफ डैश मस्ट लेस और इक्वल टू जीरो इफ के लेस देन जीरो। ये हमारे पास लेस और इक्वल टू जीरो तभी होगा जब के कितना हो हमारे पास में, लेस देन जीरो नेगेटिव हो, ये आप ध्यान रखें। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इफ के लेस देन जीरो। के अगर नेगेटिव होगा तो ये हमारे पास में क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अच्छा क्वेश्चन है, के वैल्यू फाइंड करने के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, होप यू आर द बेस्ट रिजल्ट।